स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, बढ़िया, फाइन। तो कल हमने आपको पीडीएफ टेस्ट के बारे में बात करा था, एंड आई थिंक आप लोग अगर देखने के बाद अगर आपको टेस्ट की डिमांड होगी तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज कर देना, और मैसेज करने के बाद आपको पीडीएफ क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? हर लेवल बाई लेवल आपके पास क्वेश्चन पहुँचेगा। अगर आप प्रैक्टिस करके अपने आप को ये जानते हैं कि हमने एबेकस में अच्छा नॉलेज ले लिया है पर लेवल के अकॉर्डिंग, देन ठीक है। नाउ अभी जो हमने, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें ये बताया कि फिंगर पे तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन एबेकस पे कैसे करेंगे, हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे? तो अगर आपके पास एबेकस है तो ठीक है, नहीं है तो आप एबेकस आप कहीं से परचेजिंग कर सकते हैं। अगर एबेकस परचेजिंग कर लेते हैं तो बेटर है, नहीं तो आप डिमांड कर सकते हैं, यहाँ से भेज दिया जाएगा। रही बात कि आपको पता है एबेकस का और फिंगर में, तो हमने आपको बता ही रखा है इंट्रोडक्शन में, एंड आपके पास एक वीडियो भी है जिसमें आई थिंक हमने डिफरेंस बताया हुआ है दोनों का। तो आज हम फिर से देखते हैं कि ये एबेकस है, आपका इसका छोटा फॉर्मेट एबेकस भी होगा। उसमें आप स्टार्टिंग विथ, या तो आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो आप सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेंटर से स्टार्ट करना है मतलब जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे उसका जो फर्स्ट रोड होगा वो आपका क्या होगा, वो वंस डिजिट होगा, राइट? सेकेंड रो फिर टेंस डिजिट होगा। अगर मैं विदाउट डेसिमल चलता हूँ, अगर मेरा मान कर चले कि हमने इस एबेकस को लिया और ये हमारा राइट साइड है, राइट साइड का जो फर्स्ट है ये फर्स्ट डिजिट होगा, मतलब वंस डिजिट है, ये टेंस है, हंड्रेड है, थाउजेंड है, 10,000 है, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, ऐसे बढ़ता जाता है। जितनी बड़ी कैलकुलेशन है आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। रही बात फिंगर में और एबेकस में, फिंगर में हमारा जो ये वंस डिजिट है राइट साइड में हमारा वंस डिजिट है, और टेंथ डिजिट हमारा लेफ्ट साइड है। तो दो हम इस फिंगर पे करते हैं, तीसरा हमने बता रखा है कि अपने माइंड का लेफ्ट माइंड एंड राइट माइंड है ना, राइट एंड लेफ्ट का यूज़ करते हैं, इससे चार डिजिट हम कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आप अगर आप देखोगे कि ये हमारा जो है आंसर बार है, इस आंसर बार में अगर हमारा जो डिजिट है, सपोज दैट हमें लिखना है 5, तो ये अपर विथ जो होता है ये 5 का लाइन है। सपोज दिस इज अ 5 एंड इफ टच विथ द आंसर बार, अगर आंसर बार से टच है तो ये 5 आंसर है। अगर हमें चाहिए 50 तो हम इसको अप करके इसको 50 करेंगे, दिस इज 50। अगर हमें 500 करना है, दिस इज 500, बिकॉज 500, दिस इज 500, राइट? सेम टाइप अगर हमने सपोज 1 लिखना है तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, ये अपर साइड में, जैसे आंसर आर में हमारा 4 डिजिट टच है, दैट मीन्स कि हमारा 4 आंसर है। फिंगर पे हमने ऐसे ही करते हैं 1, 2, 3, 4, दिस इज 4, बट इफ़ यू वांट टू ऐड 5 देन 5, 5 एंड 4 9, इन द एबेकस 5 इज एडेड, नाउ द आंसर इज 9। अब अगर हमें 0 करने हैं, दिस इज 0, तो आपने देखा कि जिस चीज़ में हमें ऐड करना है ना, जस्ट आपने अगर हमें 20 करना है सपोज, तो हमें यहाँ से 22 0 20, हमें 30 करना है तो 3 0 30, राइट? हमें 50 करना है 5 0 50। अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो इसी टाइप से करेंगे, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सपोज हमें 50 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, व्हाट इज द आंसर? 50 आंसर। सेम टाइप यहाँ भी करते हैं, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट मीन्स कीजिए आपका फिंगर अगर अप है तो दिस इज प्लस, डाउन के केस में माइनस। तो यहाँ भी एबेकस में भी और यहाँ पे भी दोनों जगह सेम है। अगर हमें कुछ डिजिट दिया गया है जो हम एबेकस पे शो करना चाहते हैं, सपोज 99, सो 99 शो करने के लिए यहाँ पे 9 एंड फिर अगेन यहाँ पे 9, वंस एंड टेंस दोनों प्लेसेज हमारा आंसर बार में टच होना चाहिए, दिस इज 9 आंसर, 99। सिमिलरली अगर आप चाहते हो 20 लिखने का, ऑल ओवर 0, दिस इज 20, हमें 30 चाहिए 3 0 30, हमें 88 चाहिए 8 and 8 88, दिस इज 88, है ना? सेम फिंगर पे भी 8 8 88। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, फिंगर पे फिंगर की चीज़ों को आप एबेकस पे कर सकते हो। अगर आप एबेकस पे करना चाहते हैं तो ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑन द एबेकस पे करने के बाद फिर आपको वन बाय वन लेवल में वो डाला जाएगा, एंड उसको आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि जो कैलकुलेशन है
विद द अबेकस हम कैसे करते हैं, ऑन द फिंगर पे कैसे करते हैं, दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे प्लस करना चाहते हैं। अगर आपने देख लिया होगा बच्चे को प्रैक्टिस कैसे कराना है, तो आपको अबेकस बनाने हैं, बच्चे को देने हैं 2 डिजिट के सम्स जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है। आपको अगर मान लो यहाँ पे 78 देना है, तो बच्चे को पता है कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7 आ गया और हमें 8 चाहिए, तो 7 यहाँ पे दैट मीन्स कि एक डिजिट ऊपर का 2 डिजिट के 7 और 8 के लिए फिर यहाँ पे 5 और 3 8 हो गया, दिस इज 78। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करवा सकते हो 2 3 4 5 पेज। अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हो, मैं आपको दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उस पर प्रैक्टिस करवाइए। दूसरी बात ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन जो हमने दिया है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन आपके पास है उसको ऑन द फिंगर एंड अबेकस दोनों पे करने हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसे हम करके दिखाते हैं, 20 दिस इज 20 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 4, व्हाट इज आंसर, 4949 आंसर आ रहे हैं। फिंगर पे भी आप करके देखिए, सेम आंसर आएगा। 10 अगेन, फिर इसको जीरो करना है आपको, जीरो करने के बाद आपको क्या करना है, 10 प्लस 3, तो यहाँ पे हमने 10 प्लस 3 के लिए दिस इज 3, फिर +1 के लिए 1, +5 के लिए अगेन ये 5, कितना आंसर हो गया, 10 और 9 19 आंसर हो गया। अगेन आप उस टाइप से फिर से क्वेश्चंस करेंगे, देखिए 2 प्लस 2 दिस इज 2, फिर 2, फिर +5 प्लस 50 5 9 59, आंसर आपका कितना आ रहा है, 59। ठीक है, तो आप देख रहे हो इजीली आपसे हो रहा है, बट ये चीज़ें फास्ट करना है, ये नहीं कि बार बार हम जहाँ भी जाएंगे हमारे पास अबेकस होगा, ये चीज़ें नहीं है। आप जस्ट है वो आप देखिए नीचे 6 प्लस 1 देना, 5 1 6, फिर +1 प्लस 10 प्लस 10, व्हाट इज द आंसर, 20 27। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर इसके लिए प्रैक्टिस करना है, आपके पास वर्कशीट पहुंचा हुआ है नहीं है, तो आप मांग सकते हैं, मांगने के बाद आप इसका प्रैक्टिस करिए। आपके पास अगर फिंगर है तो बेटर है, बिकॉज फिंगर आपके पास हर जगह पे होता है, बट अगर 4 डिजिट या 3rd डिजिट से ऊपर का है तो वो आपको अबेकस पे ज़रूरत होगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अबेकस आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, ये ड्यू टू प्रैक्टिस ही आता है और आपका स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी 1 बाय 1 ऑन द अबेकस पे भी हम वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड फिंगर पे तो डला हुआ है, आगे की वीडियो अब कंटिन्यू रहेगा, सो प्लीज़ आप देखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के लिए डिमांड कीजिए, बुक्स चाहिए उसके लिए आप व्हाट्सएप पे डिमांड करेंगे, वो आपके पास पहुंच जाएगा।